अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस मारिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग योर वेकेशंस, बट डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर वेकेशन वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश लेक्चर। टुडे वी विल लर्न अबाउट सेविंग रिसोर्सेज। बेटा, सेविंग रिसोर्सेज की रीडिंग और डिक्टेशन हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, डिक्टेशन वर्ड्स भी आपने कर लिए हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर। बेटा, पानी को ज़ाया होने से हम किस तरह से बचा सकते हैं। अवॉइड का मतलब होता है बचाना। तो आपसे पूछा गया है कि पानी को ज़ाया होने से आप किस तरह से बचा सकते हैं। तो हमारे पास आंसर है, वी कैन अवॉइड वेस्टिंग वाटर बाय यूजिंग इट वाइसली। वाइसली का मतलब होता है समझदारी से, ज़हानत से। हम लोग पानी का इस्तेमाल समझदारी से करके इसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय टेकिंग लॉन्ग शॉवर। ज़्यादा देर के लिए शॉवर लेने से हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें पानी का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। उसके बाद बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है, राइट टू पॉइंट्स टू फॉलो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। वो कौन से दो पॉइंट्स हो सकते हैं जिन्हें फॉलो करके आप इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को बचा सकते हैं। आपने कोई से दो पॉइंट्स मेंशन करने हैं अपने आंसर में। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, टर्न ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स। जो आपकी एक्स्ट्रा लाइट्स होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक रूम में बैठे हैं और हमारे रूम में 10 लाइट्स लगी हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं बेटा हम 10 ही लाइट्स को ऑन करके वहाँ बैठेंगे। हमारी एक लाइट से ज़रूरत पूरी हो रही है तो हम एक ही लाइट को यूज़ करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा लाइट को हम ऑफ कर देंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने जो फॉलो करने के लिए लिखा है वो है, यूज़ नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट बेटा सूरज की रोशनी। दिन के वक्त सूरज की रोशनी हमारे लिए इनफ होती है, काफ़ी होती है। इसलिए हमें दिन के वक्त कम लाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। जहां हमें ज़रूरत नहीं है वहां पे हमें लाइट्स को ऑफ रखना चाहिए और नेचुरल लाइट यूज़ करनी चाहिए। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, व्हाट इज़ पेपर मेड ऑफ। पेपर जो होता है बेटा, कागज़, आपकी बुक का पेज जो है वो किस चीज़ से बनता है। आंसर है हमारे पास, पेपर इज़ मेड ऑफ ट्री। ट्री जो है बेटा, दरख्त, इनके ज़रिए कागज़ बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कोज्ड। हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, इसमें पोल्यूशन किस तरह से आ जाती है बेटा, गंदगी किस तरह से फैलने लग जाती है। तो आंसर है हमारे पास, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाई कटिंग डाउन द ट्रीज़। बेटा, हम बहुत ज़्यादा मिकदार में दरख्तों का काटना शुरू कर देते हैं और दरख्तों से आपको पता है हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन हमारी एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखती है। तो जब हम दरख्तों की बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर देते हैं, उन्हें कटिंग शुरू कर देते हैं, तो उससे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। बेटा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।